हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया। बीच में एक दो दिन से बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, मतलब अब बारिश होने की वजह से बहुत अच्छा हो गया है। तो आज हम, वैसे तो आपने मेरे थंबनेल से भी आइडिया लगा लिया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैंने आपको देना था क्विक अपडेट अबाउट आर OCI कार्ड। जैसे आपने लास्ट बहुत सारी वीडियोस वैसे देखी है, OCI कार्ड अप्लाई कैसे करना है, या फिर OCI कार्ड क्या, मतलब वहाँ पे क्या प्रोसीजर रहा BLS ऑफिस में, फीस वगैरह सब कुछ मैंने बता रखा है। दो तीन वीडियो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी। अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है कि OCI कार्ड कैसे अप्लाई करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो सारी वीडियोज़ का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हो। और आज का जो मैं अपडेट दूंगी वो ये होगा कि कब अप्लाई किया था OCI कार्ड, टाइमलाइन क्या रही थी, कितना फीस वगैरह तो सबको पता ही रहती है, फीस तो मेंशन्ड है, ठीक है, और प्रोसेसिंग क्या रहा था, और मैंने और मेरे हस्बैंड अमित ने, हमने दोनों ने अप्लाई किया था, तो दोनों का प्रोसेस क्या सेम रहा। क्योंकि जैसे आपको, अगर आपने पुरानी वीडियोज़ देखी है तो आपको पता है कि हम दोनों ने एक ही दिन अप्लाई किया था, राइट। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्विक छोटा सा वीडियो होने वाला है ये, कि टाइमलाइन मैं बताऊंगी कि क्या रही है हमारी OCI कार्ड की। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले तो मैं आपको OCI कार्ड दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है। मैंने भी पहली बार देखा है, मतलब सेम जैसे हमारा इंडिया का पासपोर्ट रहता है, मुझे तो वैसा ही लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम। तो अंदर से भी पेज वगैरह बस वही है, एड्रेस, हाँ एड्रेस कनाडा का ही है, तो यही है। मतलब अंदर ऐसे पेज हैं, थोड़े से पेज हैं, दो चार पेज हैं। तो ये है बेसिकली OCI कार्ड। तो अब इसको रख देते हैं साइड में, बात कर लेते हैं टाइमलाइंस की। तो टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन तो मैंने बहुत पहले कर ली थी, मतलब ऑलमोस्ट 8-9 महीने मैंने एप्लीकेशन फिल करके रख दी थी, ठीक है। एप्लीकेशन उसी टाइम पे मैंने वीडियो भी उसी टाइम पे बनाई थी कि अप्लाई कैसे करना है, थ्रू आउट, मतलब कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया था उस वीडियो में। तो उसमें हमने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बात करी थी कि कैसे अप्लाई करना है, पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस था, राइट। तो उसके बाद बट हम अप्लाई करने के लिए थे ये जुलाई चल रहा है, तो हम जून में गए थे। मेरे ख्याल से 2nd जुलाई को गए थे टू बी वेरी प्रिसाइज। तो 2nd जुलाई को हम गए थे वहाँ पे, तो हम 2nd जुलाई को अप्लाई करके आए थे। और उसके बाद फिर जब अप्लाई करके आए थे, जब क्योंकि वहाँ पे उनका जो सरेंडर सर्टिफिकेट रहता है वो ले लेते हैं आपसे, ओरिजिनल वाला, फोटोकॉपी तो लेते ही हैं बट ओरिजिनल वाला भी लेते हैं, ठीक है। तो उस दिन उन्होंने हमारा जो है सरेंडर सर्टिफिकेट भी ले लिया, मतलब जो भी सारे डॉक्यूमेंट थे वो ले लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि सबसे पहले आपको जो है सरेंडर सर्टिफिकेट आएगा घर पे, उसके बाद आपका OCI कार्ड आएगा, ठीक है। तो फिर हमने वेट करी, मतलब जो हमारा वो था, क्या कहते हैं, सरेंडर सर्टिफिकेट था, वो तो विद इन 2-3 वीक्स, मतलब 2 वीक्स के अंदर अंदर आ गया था, मेरा भी आ गया था और अमित का भी आ गया था। बट द शॉकिंग, मतलब हम शॉक्ड हैं दोनों कि अप्लाई हमने सेम टाइम पे किया और हमारे जो सरेंडर सर्टिफिकेट है वो दोनों के सेम टाइम पे आए, बट OCI कार्ड मेरा नहीं आया। ये जो मैंने आपको शो किया है ये अमित का OCI कार्ड है, बट मेरा नहीं आया है, विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि सेम टाइम पे अगर अप्लाई किया है तो सेम टाइम पे ही आना चाहिए था। तो अमित का आया है कल, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा नहीं आएगा। तो लेट्स सी, अभी मैं वेट करूंगी कि देखती हूँ कि, मैंने वैसे ट्रैक नहीं किया, मैं वैसे तो ट्रैक करके भी एक बार पहले देखूंगी कि कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी मुझे पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। तो आप 2nd जुलाई से, कल 7th जुलाई थी, 2nd जून से कल 7th जुलाई थी, तो एक, मतलब ऑलमोस्ट 40 डेज लग गए अमित का OCI कार्ड आने में। तो हमें पहले किसी ने बोला था 1.5 मंथ लग जाता है, बट नहीं, हमारा 40 डेज के अंदर अंदर आ गया अमित का। तो मेरा जैसे भी आएगा तब भी मैं बता दूंगी कि मेरा कितने टाइम पे आया है, बट खैर आना तो सेम टाइम पे चाहिए था, बट नहीं आया सेम टाइम पे, तो अब क्या कर सकते हैं। बट मैं आपको अपने बारे में भी अपडेट जरूर दूंगी कि कितना टाइम लगा, ठीक है। और यही था बस, आज मैंने यही बताना था छोटी सी वीडियो में कि OCI कार्ड अमित का आ गया, कितना टाइम लगा, कितने टाइम में आया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताना कि कुछ और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, कुछ और कुछ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, एंड आई विल डेफिनेटली बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड विद दैट ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। हल्की हल्की सी धूप निकल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, तो हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करो, बाय बाय, टेक केयर।